नाउ बात करते हैं द थर्ड फाइलम दैट इज व्हाट द सिलेंट्रेटा, या इसको बोलते हैं निडेरिया। निडेरिया या सिलेंट्रेटा, जहां पे हाइड्रा, जेलीफिश, ये सारी चीजें आते हैं, कोरल्स आते हैं, तो निडेरिया होते हैं ये आपके जनरली जेलीफिशेस, सी अमीबा एनिमोन्स जो होते हैं कॉमन है, जैसे कि आपके सी एनिमोन्स, कोरल्स, जेलीफिशेस, ठीक है, ये सारे निडेरियंस होते हैं। आपके हाइड्रास भी होते हैं, सी पिप्स, सी फैंस, सी पेंसिस, ये आपके कॉमन नेम्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं निडेरिया फैमिली में, निडेरिया फाइलम में। नाउ इसके बाद बात करते हैं व्हाट आर द जनरल क्लासिफिकेशंस। निडेरिया इज डिप्लोब्लास्टिक, ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, दो लेयर होते हैं, एक आउटर लेयर एक्टोडर्म और एक अंदर का लेयर एंडोडर्म होता है, जिसको गैस्ट्रोडर्मिस भी बोलते हैं, या आउटरडर्मिक एक्टो एपिडर्मिस या इंडो को गैस्ट्रोडर्मिस बोलते हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा कैरेक्टरिस्टिक, दे हैव सिंगल ओपनिंग इनटू द बॉडी, इनके पास सिंगल ओपनिंग इन द बॉडी होता है, विच एक्ट्स एज अ बोथ माउथ एंड एनस, विच फंक्शन इन टेकिंग द फूड एंड एक्सपेलिंग द वेस्ट ऑल्सो। सिलेंट्रेटा कंटेन्स द बॉडी कैविटी नोन एज द सिलेंट्रॉन, इनके पास क्या होता है, सिलेंट्रॉन होता है, बॉडी कैविटी इनके पास होता है, विच डाइजेस्ट द फूड अकर्स, जो कि डाइजेस्ट करता है, नेम सिलेंट्रेट ऑफ दीज एनिमल्स कॉइंड ड्यू टू दिस कैरेक्टर, ठीक है, इसी वजह से इनका नाम ये पड़ा हुआ था। उसके बाद कुछ होते हैं जैसे कि पॉलिप बॉडीज ऑफन कंटेन एक्सोस्केलेटन, इनके कुछ पॉलिप बॉडीज होते हैं जो पाए जाते हैं, जो कि एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन भी कंटेन करते हैं। उसके अलावा द स्केलेटन जनरली कंपोज्ड ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, मेडुसा एक स्टेज आता है जिसको बोलते हैं मेडुसा, जनरली हैव ओनली हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन्स, इनके पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक होते हैं, पॉलिप के पास एक्सो और इंडो होते हैं। ये मैं जितना इंफॉर्मेशन आपको बता दे रहा हूं, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन रीड करने की जरूरत नहीं है, आप क्लासिफिकेशन उठा के देखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कौन किस में क्या क्या होता है, पॉलिप फेजेस क्या होता है, मेडुसा क्या होता है, आप अगर लेयर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा लर्न करोगे, एक या दो क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से आता है, तो उस क्वेश्चन के लिए, जैसे कि यहाँ पे लैक ऑफ द सच सेंसरी ऑर्गन्स, जैसे सेंसरी ऑर्गन्स नहीं होते, ठीक है। उसके बाद नेमेटोसिस्ट इज अ कॉमन फॉर ऑल, नेमेटोसिस्ट जो होता है कॉमन फॉर ऑल सिलेंट्रेट्स, सबसे सब में कॉमन होता है। इसके अलावा इसके पास स्पायरोसिस्ट्स एंड टाइकोसिस्ट भी बनते हैं, तो ये सारी चीजें जो कॉमन फीचर्स होती हैं आपके सिलेंट्रेट्स या निडेरिया में होता है। इज इट क्लियर? जनरल फीचर्स, जो जनरल फीचर्स है वो देख लीजिए, वही चीजें, सिलेंट्रेट रेडियल सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्री जो होता है रेडियल होता है, मल्टी सेलुलर होता है, फ्यूटोसिस सम ऑर्गेनल्स होते हैं, बॉडी कैविटी इंटरनल कैविटी होती है, यहाँ पे बॉडी इंटरनल कैविटी होता है, टू डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, मेडुसा एंड पॉलिप, जैसा कि मैंने बताया, पॉलिप का मतलब है वहां पे एक्सो और इंडोस्केलेटन होगा कैल्शियम फॉस्फेट का, और मेडुसा में ये नहीं होता है, वाटर सिस्टम होता है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों हो सकता है, नर्वस सिस्टम है, सिंपल नेट लाइक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, डिस्टिंक्ट लार्वल स्टेज होता है विच इज प्लैंक्टोनिक, एंड लीव्स इन द एक्वेटिक एनवायरमेंट मोस्टली मरीन्स होते हैं, एंड मोस्टली कार्निवोरस होते हैं, अदरवाइज फिल्टर फीडर्स होते हैं, एंड हैव अ मिनिमल स्केलेटन ऑफ द काइटोन और कैल्शियम कार्बोनेट, ये मिनिमम स्केलेटन जो होता है काइटोन का या कैल्शियम कार्बोनेट का पाया जाता है। दीज आर द जनरल फीचर्स, इतना भी अगर सिलेंट्रेटा में पढ़ लोगे तो बहुत है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कौन सी सिमेट्री है, पॉलिप और मेडुसा फेज क्या होता है, प्लैंक्टोनिक का जो मतलब होता है दैट इज व्हाट, उसके जो लार्वल फेज होते हैं वो मूव कर सकते हैं, दे कैन ट्रेवल, ठीक है, वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। चलो कुछ अलग अलग फॉर्म, जैसे कि इसमें बता रहा था हाइड्रोजोआ, साइजो कहते हैं, साइफोजोआ, एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ में सॉलिटरी लाइफ स्टाइल, इसकी सॉलिटरी होती है, कॉलोनियल सिजाइल होता है एज ए एडल्ट, उसके बाद सेक्सुअल इसका पॉलिप होता है, एंड एसेक्सुअल मेडुसा होता है, जो सेक्सुअल होता है वो पॉलिप होता है, एसेक्सुअल मेडुसा होता है, एंड फ्रेश वाटर और मरीन होता है, जैसे कि हाइड्रा, जैसे ओबिलिया। साइफोजोआ में सॉलिटरी नियरली ऑल फ्री स्विमिंग होते हैं, सारे के सारे फ्री स्विमिंग होते हैं, और सेक्सुअल मेडुसा होता है विद द रिड्यूस और एब्सेंट पॉलिप। मरीन ओनली में पाया जाता है, जैसे कि आपके ऑरेलिया। उसके बाद आता है एंथोजोआ, जो कि सेजाइल एज एडल्ट होता है, पॉलिप ओनली पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिप मरीन ओनली होता है, जैसे कि एडेम्सिया। इज इट क्लियर? जो हाइलाइटेड कर रहा हूं उतनी चीजों को समझना, उतनी चीजों को एक बार रिकॉल कर लेना। फाइलम प्लेटी हेलमेंथीज,
प्लेटी हेलमेंथीस के बारे में कुछ देखने की कोशिश करते हैं। प्लेटी हेलमेंथीस ग्रीक वर्ड से आया था, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, प्लेटी का मतलब फ्लैट होता है और हेलमेंथीस का मतलब होता है वर्म्स, फ्लैट वर्म्स, इनको बोला जाता है फ्लैट वर्म्स। इट इज द सिंपलेस्ट एनिमल दैट बाइलेटरली सिमेट्रिकल। अभी तक कोई सिमेट्री नहीं थी, प्रोटोजोआ में कोई सिमेट्री नहीं थी, उसके बाद पोरीफेरा में कोई सिमेट्री नहीं थी, जब हम सिलेंट्रेटा में आए तो रेडियल सिमेट्री आई थी, अब यहाँ पे बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल चल रहा है। अब ये जो होता है, अभी तक डिप्लोब्लास्टिक चल रहे थे, यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है जिसमें तीन लेयर्स पाए जाते हैं, एंड ये ऑल्सो लैक एंड एनस, इसमें भी आपका जो ओपनिंग होती है द सेम फेरेंजियल ओपनिंग बोथ टेक्स द फूड एंड एक्सपेल द वेस्ट, एक ही ओपनिंग पाई जाती है। ठीक है, सो बाकी फीचर्स देखना क्या होता है, बाकी फीचर्स यहाँ पे जनरल कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, उसमें क्या क्या है देखने की कोशिश करना। दैट इज व्हाट बाइलेटरल सिमेट्री होती है, इसमें डॉर्सो डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट वर्म्स होते हैं, थ्री लेयर्स पाए जाते हैं, थ्री जर्मिनल लेयर्स, एक्टो मीजो इंडोडर्म्स, उसके बाद सिंसेशियल होते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं, सिंसेशियल होते हैं, इट सिलिएटेड टू द टर्बुलेरिया, सिलिएटेड, इट इज सिलिएटेड इन द टर्बुलेरिया एंड इट इज कवर्ड बाय द क्यूटिकल इन ट्रिमेटोडा एंड सिस्टोडा वर्म्स। ठीक है, सिलिएटेड होता है टर्बुलेरिया में और क्यूटिकल से कवर्ड होता है ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा में। एक्सो और इंडो स्केलेटन जो होते हैं यहाँ पे पूरा कंप्लीटली एबसेंट होते हैं। पैरासाइट्स सोज द सकर्स और हुक्स, इनके पास सकर्स या हुक्स होते हैं ताकि होस्ट बॉडी से अटैच हो सके। सिलोम, ट्रू सिलोम इज एब्सेंट, ट्रू बॉडी कैविटी यहाँ पे नहीं पाई जाती। मस्कुलर सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, मस्कुलर सिस्टम मेसेनकाइमल जो ओरिजिन होता है यहाँ पे वेल डेवलप होता है। सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम आर एब्सेंट, और यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम जो पाए जाते हैं वो आपके प्रोटोनेफ्रिडिया से होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया जो कि कनेक्टेड होते हैं एक्सक्रीटरी डक्ट से, एंड दे आर यूजुअली हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स। नर्वस सिस्टम पुअरली डेवलप होते हैं एंड एसेक्सुअल मल्टीप्लीकेशन होता है। इज इट क्लियर? दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेटी हेलमेंथीस। उसके बाद बात करते हैं पैरासिटिक एडाप्टेशंस के बाद बात करेंगे। पैरासिटिक एडाप्टेशंस में फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इट्स एनवायरनमेंट, क्या करते हैं कि प्लेटी हेलमेंथीस अंडरगो द प्रोफंड एडाप्टेशन टू सूट द पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ। दिस एडाप्टेशंस जैसे कि इनके कुछ आपके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स या फिजियोलॉजिकल नेचर्स में जाता है, बॉडी कवरिंग, ऑर्गन ऑफ एडेशन, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, ऑर्गन ऑफ न्यूट्रिशन, ट्रॉपिक ऑर्गन्स एंड न्यूरोसेंसरी सिस्टम्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, ये कुछ मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस होते हैं, जिससे कि एडाप्टेशंस की वजह से ये एक पैरासाइट्स बन जाते हैं जो कि प्लेटी हेलमेंथीस में होते हैं। इज इट क्लियर? नाउ मूविंग टू द फाइलम नीमेटोडा। नीमेटोडा के बारे में बात करता हूं। नीमेटोडा दैट इज व्हाट, इसको बोला जाता है राउंड वर्म्स। क्या बोला जाता है? राउंड वर्म्स। राउंड वर्म्स होते हैं जो कि फाइलम नीमेटोडा में होते हैं। नीमेटोडा ये भी हाफ, मोर देन हाफ जो होते हैं पैरासिटिक होते हैं। नीमेटोडा जो होते हैं मोर देन हाफ पैरासाइट्स होते हैं। कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल स्टेज में होते हैं, फ्लेक्सिबल और नॉन लिविंग क्यूटिकल्स पाए जाते हैं, मोटाइल सीलिया एंड फ्लैजिला होता है कंप्लीटली लैक, मोटाइल सीलिया एंड फ्लैजिला कंप्लीटली लैकिंग नहीं पे पाया जाता। मस्कुलर बॉडी होता है जैसा कि आपने देखा था अभी प्लेटी हेलमेंथीस में भी तो होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, वन और मोर ग्लैंड सेल ओपनिंग बाय द एक्सक्रीटरी पोर्स, ए कैनॉल जहां पे कि ये सारी चीजें पाई जाती है। प्रोटोनिफ्रिडिया लैकिंग होता है, प्रोटोनिफ्रिडिया लैकिंग, प्रोटोनिफ्रिडिया नहीं पाया जाता। फेरिंग्स यूजली मस्कुलर एंड that is tri-radiate in the cross section, male reproductive tract opening into the rectum and form a cloaca, and female reproductive जो होते हैं वो gonopore में जाते हैं, male और female दोनों अलग अलग बन रहे हैं यहाँ पे, and fluid in pseudocoel जो होते हैं includes होते हैं, अभी भी pseudocoelomes ही होते हैं। ये कुछ nematoda जो कि round worms होते हैं उनके कुछ general features थे। Hey guys, my name is Viren Singh. So अन अकेडमी पे मैं प्लस और आइकॉनिक के लिए पढ़ाता हूँ, तो क्रैक करिए CSIR को विद मी वीरेंद्र सिंह ऑन अन अकेडमी, जहाँ पे कई सारे कोर्सेज जो हैं वो चलते रहते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ, सो प्लस कोर्सेज इज ऑल्सो देयर, जहाँ पे इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर, लाइव क्लासेस, कोर्स एंड PDF एंड क्विजेस मिलते हैं।
आइकॉनिक मीन्स सबके अलावा आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स, एसओपी एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यूज़ करें रेफरल कोड विद इन लाइफ टू गेट द 10% डिस्काउंट। वेरियस बैच कोर्सेज इज रनिंग, बैच 2, 5 एंड 7। इन बैच कोर्सेज में भी आप जुड़ सकते हैं या तो इंडिविजुअल कोर्सेज में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे 13, 8 एंड डिफरेंट यूनिट्स जो है मैं डील करता हूँ। प्लस के जो फीचर्स है, जहाँ पे फुल लेंथ कोर्सेज, एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज, न्यू बैचेस एवरी वीक, डेडिकेटेड डाउट सेशंस, वीकली क्विजेज इन एवरी कोर्सेज, फुल मॉक टेस्ट एंड ऑल सब्जेक्ट्स बायलिंगुअल आपको मिलते हैं। इसके अलावा आइकॉनिक में आपको मिलता है कई सारी चीज़ें। इन सब के अलावा हम और सारी चीज़ें इंटरव्यू गाइडेंस के लिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी, सिनेप्सिस, प्रोजेक्ट प्रपोजल राइटिंग्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। सो जुड़िए अन अकेडमी के साथ। 6 मंथ की कॉस्ट इतनी है। अगर आप रेफरल कोड विरेन और विरेन लाइव यूज़ करते हैं तो आपको इस पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस फ्री होती हैं। पोस्ट द लर्नर का ऑप्शन यूज़ करिए, रेज योर हैंड का ऑप्शन यूज़ करिए, डायरेक्ट अपने एजुकेटर से बात करिए। नेवर मिस ए क्लास, लेक्चर नोट्स एंड एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर, ये चीज़ें ले सकते हैं। स्पेशल क्लासेस कई सारी जो है आपके मेरे प्रोफाइल पे जाके अवेलेबल हैं, देख लीजिए, और अपकमिंग भी वहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा ऑफर्स चल रहे हैं 12+2 27 अक्टूबर तक, और 6 मंथ सब्सक्रिप्शन पे 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। 31 अक्टूबर तक ऑफर है। 24 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। ये आपको मेगा ऑफर जो चल रहा है। आस्क अ डाउट फीचर भी आ चुका है, इसका फीचर भी यूज़ कर सकते हैं आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। एंड 1-to-1 लाइव मेंटरशिप भी अवेलेबल है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। सो हरी अप गाइस, सब्सक्राइब नाउ एंड यूज द रेफरल कोड विरेन और विरेन लाइव टू गेट द 10% डिस्काउंट। लेट्स क्रैक इट।